बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां आज शाम नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बिहार में से थोड़ी देर बाद कैबिनेट विस्तार होगा। 21 विधायक हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 6:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। बीजेपी के कोटे से 21 में से 12 विधायक मंत्री बनेंगे। जेडीयू के कोटे से 9 विधायक मंत्री बनेंगे और कुल 21 नए विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं आरएलजेपी ने एनडीए छोड़ने के संकेत दिए, क्योंकि आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया, कहा कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की लिस्ट के बाद हम फैसला लेंगे और हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं है। पशुपति पारस ने कहा कि अगर न्याय नहीं हुआ तो हम स्वतंत्र हैं। तो इसी बीच लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने है, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान की जानकारी दी। अब से 22 घंटे से कम का वक्त बचा है, जहां दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव स्ट्रीम होगी।